हेलो दीदी, दीदी। हाँ बोल। मैं ये बोलने आई हूँ आपसे, जब मैं घेर में अपनी जगह करके आई कंडो के लिए, तो उस जगह पे तुम थापे आए हो कंडे हैं कौन सी जगह पर थाप के आई हूँ? घेर में। पहले आप खोल के देख लेती कहाँ हाँ, थाप के मैंने आई आप हूँ मैं। खोल के देखा है, जहाँ पे मैंने तो दोबारा कंडे उठाए ना सूखे सूखे, उस जगह पे मैं जगह करके आई वहां थी। ये देख ले, बाउंड्री कहाँ से कहाँ तक हो रही है, कहाँ से तक हो रही है? मेरी जगह ठीक है पे है ना? आपके कंडे। ये देख ले कि वो जो बाउंड्री, जो छोटी सी बाउंड्री, वो कहाँ तक है, ये देख के आप। पहले मैंने अपनी जगह पे थापे, तेरी जगह पे ना थापे। पूरे अरे तुमने मेरी जगह पर थापे हैं और नीचे को मैं दिखा पट्टा कर दूँ? ले, पूरे गांव को अपने नाम करवा ले, हमें जीन दे रही है ना, जीन दे रही है। अरे जितने हिस्से में आई उतने हिस्सा तो मांगा है मैंने, और कोई ज्यादा तो मांगा नहीं है। अच्छा उतने हिस्से में मेरे पे क्यों थाप दिए हैं? देख, तुम मुझसे छोटी है, मैं तुझसे लड़ना ना चाह रही हूँ। कल को गांव वाले ये कहेंगे इसे जीन ना दे रही, वैसे तूने मैं गांव में बदनाम कर रखी हूँ। वैसे भी हमारा सब बट गया, ठिया भी बट गया, सब बट गया, फिर भी तुम अब इसी में नहीं मानने हो है? मैं ना मानी है, तू ना माननी। तुम नहीं मान रहे हो, तुमने मुझे जितना दिया उतने में मैं रह रही हूँ अपना गुजारा करके। और क्या, और क्या तुझे, और क्या तुझे, वो क्या कहते हैं वहाँ, ताजमहल नाम करा दूँ तेरे? तुमने तो अपनी इतनी जगह ले ली, तब भी मैंने कुछ भी नहीं कहा। हाँ चलो कोई बात नहीं है, बड़ी दीदी है, ले लें दो, मुझे क्या मतलब है। मैंने अपने हिस्से में जो था वो लिया है मैंने, ठीक है? तू कब्जा करके नागिन की तरह कुंडली मार के बैठी है पूरे पे। अरे मैं क्यों मारूंगी, अगर मैं चाहती ना तो बराबर हिस्सा लेती, क्योंकि इसके बराबर हिस्से की जिम्मेदार मैं भी हूँ। तुझे फालतू ही दिया है मैंने। फालतू दिया? हाँ सही कह रहे हो। बर्तन से लेके चम्मच से लेके कपड़े से लेके जमीन से लेके, ठीक है ना? जो पुरानी चम्मच, जो पुराने बर्तन थे वो तुमने मुझे दे दिए, जो नए बर्तन थे वो तुमने लिए। अरे जो तेरे घर में से मिले वो दिए मैंने तुझे। अच्छा, और जो सासू माँ के वो आधा आधा कर लिया हमने। सही कह रहे हो। और क्या, और हाँ एक बात और सुन ले, अभी तो ससुर मेरी तरफ है, अभी तो मैं ससुर का भी हिस्सा ले लूंगी। बुढ़िया मर गई, चल कोई बात नहीं है, वो तो अच्छी जगह है, हम बुरी जगह है। हाँ यही दिन तो देखना पड़ रहा है कि बुढ़िया मर गई, यानी इसी की वजह से बैठी कि हमारी सासू माँ मर जाए। अरे मरना ना मरना ऊपर वाले के हाथ में होता, हमारे हाथ में ना होता है। मैं तो ये कह रही हूँ काश मेरी सासू माँ जिंदा होती, कम से कम ये घर तो अलग नहीं होता। रहने दे, बुड्ढे को तो रोटी खिलाई ना जा रही तुझ पे। अच्छा सही, तुम खिला रहे हो ना, तुम तो खाली एक उसके भूखे हो पैसों के, क्या उनकी जो आधी ज्यादा था ना वो भी मेरे नाम हो जाए, इसलिए तो जवान चोरी मत करा करे। अब हाल हो जाए, वो नंगा हो आ जाए, कटोरा बिल तो तुम उन्हें राख लोगे, तुम खवा दोगे चार रोटी वक्त की, तुम नहीं खवा पाओगे। लड़ने आई है तुम उससे? मैं क्यों लड़ने आई हूँ, तू जाके अपना काम कर ले। मैं तो काम कर लूंगी अपना। लड़ने मत आकर, तू रोज तीसरे दिन छाती पे आ जा लड़ने। तुम काम ही ऐसे करते हो। मैं कर रही हूँ काम। और क्या मैं कर रही हूँ? हाँ तेरी काय को बुद्धि में कीड़े पड़ गए है ना। देखो दीदी पागल हो गई है बिल्कुल। देखो दीदी मैं भांग भांग खा के आती है तू, जब भी आती है मुझसे लड़ने। हाँ? अरे भांग खा के तो तुम आती हो अंदर से, ताकि आज आएगी दौरानी ऐसे काम करिया हूँ तो वो सीधा मेरे ही घर आएगी। पूरे गांव में थू थू तो करा रखी है। अरे गांव कह रहे ये तुम्हारी दौरानी है? मैंने नहीं कराई थू थू, तुमने करा रखी है। तुमने मुझसे बोला अरे तेरी जिठानी ऐसी है तो इतने हिस्से में रह रही है। मैंने देखो मुझे लड़ाई के कोई काम नहीं चाहिए, लड़ाई के कोई काम ना, लेकिन यहाँ आके पूरा वो क्या कहता तांडव करे हमारी छाती पे आके। ये हमारी दौरानी देख लो। हाँ ये है हमारी जिठानी, बड़ी जो बड़े का फर्ज नहीं निभाती है। बस बड़ों ने तो खूब फर्ज निभाया, पर छोटों पे भरना ही ना आया। हाँ क्या निभा दिया? सासू माँ की जो जेवर थी, जो चांदी सोना सब था, वो तो तुमने हड़प लिया, तब भी मैंने नहीं मांगा। मैंने मांगा नहीं मांगा, मेरे हिस्से में आ रहा, मैं ले लिया। देखो तुम जो हार पहनी हो, मैं क्या पहनी हूँ? एक अपने पति का मंगलसूत्र बस। तो तेरे माँ बाप ने दिया ही क्या तुझे? तुम्हारे माँ बाप ने तो बहुत कुछ दिया, बहुत दिया मुझे। सही कह रहे पहले की आई हूँ मैं, बहुत दिया तुम्हारे। लड़ने आई है, पूरे गाँव मोहल्लों को सुना दे तू। अरे मैं क्यों लड़ूंगी, कल को जब मैं जाऊँ ना निकल के तभी क्या, मैं इसकी दौरानी कैसी लड़े? मैं क्यों लड़ूंगी, तुम जाके मेरे घेर पे तो कंडे उठा लो, लड़ाई बंद। मेरी जगह पे जाके देख ले तू, मेरी जगह पे है वो। दिमाग खराब हो गया तेरा? मेरा तो दिमाग सही है, तुम्हारा खराब हो गया है। यानी कि मैं पागल हूँ? नहीं मैं पागल हूँ? मैं पागल हूँ? मैं बिगर फुजल के तुमसे लड़ने आई हूँ? अरे तुमसे मुझे देखो जीत नहीं पाऊंगी, तुम जाओ। हाँ तो तू काय को आई फिर? अरे मैं तो कंडे की कहने आई थी, तुम तो छाती पे चढ़ने वाली। आज के बाद मेरे घर पे डेली पे चढ़ने की जरूरत ना, बता रही हूं। बच्चा तो तुम्हारा वहां से, इसलिए बाहर से आवाज लगाई है मैं। हां सही है। अच्छा मैंने राखू तुम लोगों से कोई मतलब? हम तो बहुत रहे न्यारे कर दिए, अपना खाओ कमाओ, अब हमारे छाती पे मत चढ़ो, जाओ। अरे जाओ, तुमसे कोई मुंह नहीं लगेगा, इनसे तो बात ही करना बेकार है, हैं जब देखो लड़ाई करना। पिताजी, पिताजी। हां बेटे। क्या पिताजी इतना क्यों खास रहे हो, तबीयत ठीक नहीं है क्या? अरे बेटा रात खुले में सोगो। अच्छा क्यों अंदर नहीं सोते हो? दीदी के पास तो इतने रूम है और इतने बड़ी जगह, फिर भी। अरे बेटा वो दीदी कहाँ है, बस पूरे घर को अंदर उठाया हुआ उसने,
अब दिनों रात ऐसे चुगलखोरी करते थे, पिताजी ये हुआ, पिताजी ये करवा दो, पिताजी वो करवा दो। उसकी बातों को सुन के मैं बीमार पड़ गया हूँ। तू बता क्या बात है। बात कुछ नहीं पिताजी, मैं तो ये कहने आई थी, जो घेर में मैंने जगह करी थी अपनी कंडों के लिए, मैंने कि यहाँ पे अब थप नहीं पाएंगे, तो मैं इससे अच्छा जी सूखी सूखी उठा दे रही हूँ, इस जगह मैं थाप दूंगी। अच्छा। तो जीजी को दीदी को जगह दिखी तो वो वहीं पे मेरी जगह पे कंडे थप गई। अरे तो बेटा, यह गांव में सबसे ज्यादा जगह हमारी है चुन्नी लाल की, जहाँ चाहे वहां थाप लो। तुम ये नेक से बिटोरा के पीछे, कंडे थापने के पीछे लड़े पड़ती हो दोनों। हम क्या, वो ही छाती पे चढ़ के आई, वो मेरी जगह है, जो कह रही आंख फाड़ के देख ली, कंडे के लिए जगह है। कंडे के लिए तो तुम मुझे बुलाओ, कंडे के लिए हाँ पिताजी, कपड़ों के लिए हाँ पिताजी, कहाँ सुखाऊं पिताजी, पिताजी की जाना फतवे कर दी है तुम्हें। पिताजी तुम तो देख रहे हो कितनी जगह है मेरे पास, कोई ज्यादा जगह दी है मैंने, इसलिए नहीं मांगी जगह। वो ही लड़ाई के काम करती है जब देखो। बेटा मेरे मरने के बाद में सब जगह तुम्हारी है और वाकी है, तुम क्यों मरोगे? मैं कहीं छाती में धर के ले जाऊंगा। तुम क्यों मरेंगे तुम्हारे दुश्मन, समझे? दुश्मन तो मक्खियां ना मरेंगे, दुश्मन तो क्या कारो कौवा खा के आए हैं, उन्हों को जुना क्या होगा। तो अब मैं क्या करूं दीदी का? तू परेशान मत हुआ, तू मेरे संग चल, बस सेंटू आगे बिटोरा के पास चल, ठीक है। वो बीमार आदमी और ले आए घर से, देख ये सबरी अपनी जगह है, ये सेंटू आगे बिटोरा है तो एक ही बराबर थाप ले अपने कंडा, एक मन दो मन पूरे बीघा में छाप दे अपने। अभी दीदी ने कुछ बोला फिर इसके बारे में? अरे दीदी की चांद में माथे तसला घुमा के तुम मेरी जान में दिखाओ। पिताजी तुम जाओ, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। किसने थाप दिया अब कंडे? कौन मर गया? किसकी हत्या हो गई? हैं? मुझे ऐसा लग रहा है अब इस पे भी कब्जा कर लिया, धीरे धीरे हमारे शरीर पे भी कब्जा करवा देगी ये। इसे देखो पहले। बम बम बोले, कोई है? कोई है? राम राम। खुश रहो, आशीर्वाद रहो, सौभाग्यवती भव, दूध लाओ, पू तो भरो। हाँ बताओ। बताओ क्या लल्ली, हम तो भिक्षा लेने आए हैं, भिक्षा हम दियो। देखो भिक्षा तो तुम्हें मिल जाएगी, मैं बहुत टेंशन में दिमाग है मेरा। क्या हो गया पुत्री? क्या तुम कौन से मेरे ससुर लोग हो? हाँ हाँ बात तो सही है। हाँ। मैं ये कह रही हूँ देखो, मैं तुम्हें भिक्षा भी दूंगी। हाँ। और अलग से पैसे भी दूंगी, लेकिन तुम्हें मेरा काम करना होगा। बताओ। अच्छा ये बताओ, पहले तो तुम जानते क्या क्या हो? मैं जानता क्या क्या हूँ? किसी का अगला पिछला वास्तविक रूप सब बता सकता हूँ, किसी के पे करवाना हो, किसी के पैसे उतरवाना करवाना हो, किसी को मरवाना हो, किसी को जान से, किसी के दस्त छुड़वाने हो, किसी के बीपी हाई करना हो, मेरे पास सब है। मरवाना हो? भूत भूत पिशाच निकट नहीं आए। बस में भी करना हो? सब कुछ भी। अलग खोल दे पलक। हाँ अच्छा, सच बोल रहे हो या वही मांगने खाने वाली लग रही हो? हम तो कोई बात नहीं पुत्र। रुको, ठीक है तो मैं तुम्हें डबल दक्षिणा दूंगी। हाँ हाँ। लेकिन एक तो मेरा वो ससुर मर जाए, ससुर, और दूसरी बात वो मेरी दोरानी है ना। हाँ हाँ। वो मेरे कब्जे में आ जाए, मैं जैसे कहूँ वैसे मेरा काम। तो सुन मेरी बात, कुछ नहीं करना तुझे। हाँ। रात को 12 बजे जाके अकौआ के पेड़ पे जल चढ़ाना है। हाँ। कौन से पेड़ पे? अकौआ के पे। वो मैं तो जानती भी नहीं हूँ कौन। ऐसा होता है उसमें निकलती है ऐसे, मतलब इतना ऊंचा पौधा होता है, उस पर जिंद रहती है। सुन तो ले, इतना ऊंचा पौधा होता है, अगर उस पर तू देर रात में 12 बजे जाके उस पर जल चढ़ाएगी तो ये समझ ले तुझसे ज्यादा राक्षसनी इस दुनिया में कोई नहीं हो पाएगी। मतलब अपार शक्तियों की धनदौलत आ जाएगी तेरे पास। अच्छा। किसी का यूं करके फूंक मार दी तो भस्म कर देगी आदमी को। अरे वो जिंद मुझ पे ही आ गया तो? नहीं नहीं, उसकी सेवा करनी पड़ती है। मैं तो वैसे खूबसूरत हूं। हां खूबसूरत, वो जिंद मेरे ऊपर आ गया तो? नहीं पुत्री, ऐसा नहीं होता है, जिंद भी आकार देख के संपर्क करता है। मतलब तू नहीं समझेगी आकार का मतलब? बताओ। नहीं समझेगी, नहीं तू बताने का कोई मतलब ही नहीं है। अच्छा अच्छा। हाँ। चलो छोड़ो, अगर तुझे अगर अकौआ के जल पे अगर हुआ के पेड़ पे अगर तू जल चढ़ा सके तो तेरा काम हो सकता है, अगर नहीं चढ़ाना चाहती तो तू मुझे 11,001 रुपए दे और उसके बाद मैं तेरे नाम से हवन करूंगा, उस हवन की शक्तियों से तेरा ससुर भी मर जाएगा और तेरी दौरानी से भी तुझे छुटकारा मिलेगा। ठीक है, मैं भाई वहाँ नहीं जाऊंगी, अकौआ के पेड़ पे नहीं जाऊंगी। जिंद मुझ पे लग गए तो? नहीं लगेंगे, मैं 11,000 देने के लिए तैयार हूं। तो ले आ पुत्री और देख तेरा काम आज से ही सफल। गारंटी बताओ इस? गारंटी है, पूरी 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 गारंटी है, जब भी आऊं जब भी पकड़ लेना आप मुझे। अच्छा। हाँ। जब पुत्री एक बात बता तू मुझसे, वैसे खैर मुझे पूछने का कोई मतलब नहीं है, फिर भी मैं इसलिए अधिकारी नहीं है, इंसानियत के नाते पूछ लेता हूँ, वैसे तू चाहती क्या है? देखो मैं ये चाहती हूँ, एक तो मेरे वो ससुर मर जाए। वो तो मैंने सुन लिया, उसके अलावा मतलब उसके अलावा क्या चाहती? मैं आजाद हो जाऊँ। अच्छा। मैं अकेली राज करूँ, पूरी
पूरी प्रॉपर्टी पे, पूरी प्रॉपर्टी पे तू और तेरा आदमी। हाँ, अरे आदमी को मारो गोली, मैं अपनी बात कर रही हूँ। मतलब तू रानी बन के रहनी चाहिए। चिंता मत करे, खोल दे झलक, खोल दे अपनी पलक। खुले हुए हैं। हाँ तो लिया जा, और क्या कहते हैं 11,000 एक रुपए की दक्षिणा, और तेरा काम आज से। अब एक रुपया किसी पे खुला ही ना हो तो कोई बात नहीं, 11,000 10 रुपए कर लाना। ठीक है ठीक है, लेकिन काम हो जाना चाहिए, निश्चिंत। और अगर नहीं हुआ तो मेरा गरेबान तेरे हाथ। ना ससुर तो मारे ना मारे, लेकिन तुम्हें उसकी जगह पहुंचा दूंगी। उसकी नौबत ही नहीं आने देंगे हम। हाँ ठीक है, अच्छी बात है, नौबत ना आने दो तो। चलो अलग, खोल दे पलक, बोल सत्यनारायण भगवान की जय। लो ये 11,000 है पूरे। अच्छा, ये मैंने अपनी सोने को कुंडल बनवाती मैं। अब तो तेरे पास अपार धन होगा, उसके लिए रख रखे कुंडलों पर। मैं सोच रही हूँ जब बुड्ढा मर जाएगा तो पूरी प्रॉपर्टी मेरे पास चल क्या रही है। अब तू हीरे के वो पहनेगी आभूषण। हाँ ये भी बात सही कह रहे हो। लो पकड़ो इसमें, किसमें? इसमें कमंडलू में रख हमारे। चलो कमंडलू में, ठीक है पुत्री। अब उपाय तो बताओ। उपाय बताने वाला हूँ। पहले पैसों को लेकर निकल ली। नहीं नहीं जा नहीं रहा पुत्री, मैं तुझे उपाय ये बता रहा हूँ। देख तेरा जो ससुर है ना, उसको रोज घी का हलवा, देसी घी का, शुद्ध देसी घी का हलवा बना के और सुबह शाम उसको दे। और उसके बाद सुबह जब वो दोपहर में या शाम को जब वो सोने के समय पे उसको लोटा भर के दूध दे, और उसमें कम से कम 20 बादाम और 20 मुनक्का कूट के रगड़ के उसमें मिला के उसे दे दे। वो मरेगा या सेहत हो, वो तो मुझे लग रहा है यमराज भी ना ले जा पाएंगे। नहीं नहीं ले जाएंगे, क्योंकि देख भारी इतना हो जाएगा। जब तू हलवा देगी, जब तू बादाम देगी, तो लोगों को ये लगेगा कि बहू कितनी बढ़िया है, बादाम और हलवे दे रही है। लेकिन वो बादाम और हलवे उसके दस्त छोड़ देंगे, और दस्त जहाँ बने वहीं से पानी बनना शुरू हो जाएगा पेट में, और जब पेट में पानी बनेगा तो मृत्यु तो अपने आप हो जाएगी। बोल अलख निरंजन। हाँ अलख निरंजन, खोल दे रहा और झपका ले अपनी पलक। वो तो खोल। जय हो। ठीक है ठीक है, ये उपाय सही है। दुनिया वालों की नजर में मैं अच्छी की अच्छी बनी रहूंगी, और वो भी निकल लेगा। हर हर शंभो शंभो शंभो, कोई है? अरे खोल दे रब, झपका ले अपनी पलक। आयुष्मान भक्पुत्र दूधो राव पूतो भलो सभा सौभाग्यवती रहो। बाबा आप मतलब कहां से आए हो? हम कहीं से नहीं आए पुत्री, हमारा तो कोई तीर्थ स्थल है ही नहीं। अच्छा। हम तो बस घूमते हैं, आते हैं जाते हैं, जहाँ मतलब आप यहाँ के नहीं दिख रहे हो? नहीं हम यहाँ के है ही नहीं, हम काशी विश्वनाथ से पधारे। अच्छा, हैं ना, इसलिए पूछा मैंने। वैसे पुत्री कुछ भिक्षा दे। हाँ बाबा दे देंगे, लेकिन कुछ नहीं, तेरे चेहरे पर मुझे चिंताओं का कुछ प्रकोप दिख रहा है। हाँ इसलिए तो मैं आपसे। क्या चिंता है, उनको बाबा के आगे रखो, शायद हो सकता है हम कुछ निवारण कर सके तुम्हारी चिंताओं। बाबा ऐसा है, हम इतने परेशान है, इतने दुखी है। एक किस बात से? हमारी जिठानी ने बहुत परेशान कर रखा है। क्या हुआ? हमारी जिठानी ने ये परेशान कर रखा है, एक तो पूरी ज्यादा हड़पड़ी ली, और मतलब हड़प ली कोई बात नहीं, और फिर ऊपर से हिस्सा में भी इतना दिया है, जैसे कि थोड़ी सी जगह हमें दे दिया, सारा हिस्सा वो लेके बैठी, कुल मिला के सारी संपत्ति पे कुंठी मार के बैठी है नागिन की तरह। हाँ तो घर कौन सा है उसका? घर साथ रहती है क्या? नहीं तो मतलब ये छोटा सा घर, जो छोटी सी कुटिया तेरे पास है, और जो पीपल वाला है वो उनका है। अब तू चुप रह, अब तू चुप रहे, मैं तो उस औरत को अच्छी तरह जानता हूँ, भारी सी लड़की है। हाँ हाँ भारी सी मोटी खोल सी। दे अलग, झटका दे पर। आप कैसे जानते हो उनको? अरे वो तो तेरा सर्वनाश चाहती है पुत्री। क्या? हाँ आपसे बात की थी क्या? बात की थी, मेरे से उपाय भी लिए हैं, और मैं उसे उपाय बताकर भी आया हूँ, लेकिन मैं गलत बता के आया हूँ। वो तो ये चाहती है कि मेरी देवरानी जो है वो मर जाए, वो तो ये मानना चाहती है। क्या बाबा? हाँ हाँ, क्योंकि जो भी हिस्सा है ना, ताकि वो ले ले, ये भी हिस्सा उन्हें आखने। अब बता तेरी दुविधा को, ये बाबा दूर करे या ना करे? बाबा बस ये दूर कर दो, मेरी जिठानी बस प्यार से हमें रहे। तो ले अपने घर में से 1101 रुपया, और मैं पढ़ के उन्हें फूक देता हूँ, और उसके बाद तेरा एकदम ये समझ ले जीवन में सफलता ही सफलता हो जाएंगी। जा। बाबा 1100 रुपये तो नहीं है, खाली 500 रुपये तो। 500 है? 500 में ही रेल बना दूंगा, तू जा लेकर आ। ठीक है बाबा। जा खोल दे अलग, झपका दे अपनी पलक, बोल अलग निरंजन बाबा की। हरिओम तत्सत। हमारे कमंडलू में रख दे इसे पुत्री, और इसकी मस्तक से लगा ले। अब तेरा जीवन में सफलताओं के रास्ते ऐसे खुल जाएंगे कि तुझे विफलताओं के रास्ते दिखना बंद हो जाएंगे। जब सफलताओं के रास्ते खुलते हैं तो बाबा त्रिलोकीनाथ वहां जरूर पधारते हैं। बस बाबा मैं तो ये चाहती हूँ, जैसे कि एक दौरानी जिठानी में प्यार होता है। प्यार नहीं, बस ऐसा हो। वो प्यार करने लायक औरत नहीं है। अगर तू उसके पास उसकी तरफ प्यार से उमड़ेगी तो वो तुझे खुमड़ेगी। खुमड़ने का मतलब जानती है? तेरा गला घोट के तेरी जान लेने की कोशिश करेगी। अब तू मेरी बात सुन, तू खाली एक उपाय कर इसका, तो मैं तेरे नाम से हवन करवाऊंगा। तू बस 11 रुपए के एक लड्डू मंगवा के, और आज ही अपने पति के हाथों इस गाँव के चौराहे पर जाकर, और दोनों तरफ चारों तरफ उन लड्डुओं को फेंकवा देना। ठीक है बाबा।
तेरी सारी सफलताएं संभव हो जाएंगी। अरे निरंजन बम बम बोले, खोल दे अलग झपका दे अपनी पलक। श्रीमन नारायण 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 आयुष्मान भव। हाँ, क्या पुत्र, तुम्हारी तो कमर टेढ़ी हो गई। अरे खांसी भी है। अरे तबियत खराब, जाने के चक्कर में हो क्या? अरे बाबा तबियत खराब है, क्यों दुनाते? क्या हो गया? अरे बड़ी बहू ने तबियत खराब कर दी हमारी। कौन सा घर है तुम्हारी बड़ी बहू का वैसे? अरे जय घर है ये। हाँ अच्छा अच्छा अच्छा, हम इस घर में अभी थोड़ी देर पहले शायद भिक्षा लेकर गए। ये तो किसी मोटी सी औरत का घर है पुत्र। अरे मोटी सी ना है वो, हमारे बड़े बेटा की बहू है। आराम से सांस को सांस दो। हाँ आराम मिलेगा, लंबी सांस लो। बताओ काम, बताओ काम। मैं कुछ नहीं बता रहा पुत्र, बस ये मैं तो तुम्हारी शक्ल देख के समझ गया था कि तुम्हारे ऊपर भयंकर प्रकोप है, तुम्हें खाने की रोटी और पहनने को कपड़े तक नहीं मिलते। पर तुम्हारी छोटी बहू बहुत बढ़िया है, मैं आप तुम्हारे मस्तक की रेखा को देखकर बता सकता हूँ तुम्हारी छोटी बहू तुम्हारी बहुत इज्जत करती है। तुम मेरे घर में ऐसा कर दो सुख शांति आ जाए। सुख शांति? हाँ। बता कैसी सुख शांति चाहता है? खाने से, पीने से, कपड़ों से, लत्तों से, सब बात से सुख शांति आ जाए। तो लगा इसमें दक्षिणा है। हाँ दक्षिणा 100 रुपए दूं? पुत्र 100 रुपए में तो कुछ भी नहीं होता है, लेकिन जो तेरी इच्छा है वो लगा सकता है, मैं मना। तुम पंडित जी हमारे घर की सुख शांति, सुख शांति तो तेरी वापस दो। चलो 500 का नोट। ठीक है लगा, चूम ले कमंडलू को। अरे बस हरिओम सत्यनारायण भगवान की जय बोल। सत्यनारायण भगवान की जय। आज से तेरे लिए बादाम का हलवा आएगा मुनक्के पड़े हुए है, और साथ में एक लोटा दूध और उसमें क्या कहते हैं बादाम पिसे हुए, मुनक्के पिसे हुए, और देसी घी का हलवा मारेगा तू आज से ही। और 15 दिन के अंदर अगर तेरी तंदुरुस्ती बन जाए तो 1 किलो लड्डू बंटवा देना और बोल सत्यनारायण भगवान की जय। जय। खोल दे अलग झपका ले अपनी पलक। सत्यनारायण भगवान की जय। बाबा तुम ही कद्दो काम पूरा। अरे दीदी ये कहाँ को लेके जा रही? मैं अपने ससुर के लिए लेके जा रही हूँ। ससुर को? और क्या, पिताजी के लिए लेके जा रही हूँ। लोग तो चाह रहे हैं कि जल्दी मर जाए, पर मैं इतनी जल्दी ना मरने देने की हूँ। मैं सपना देख रही हूँ क्या हकीकत? तू तो सपने ही देखी हो। मैं अगर कोई अच्छा काम करूँ नागिन की तरह, काली बिल्ली की तरह रास्ता काट जाकर हटा लगे। ऐसे ही होती नहीं हो ना, उनको तुम दूध पिला दे, खुद दूध पीने वाले तुम दूसरों को क्या पिलाओगे? पिताजी खिलाते पिलाते निकल के ही ना दे रहा। हाँ लो तो अपना सामान पकड़ो। अच्छा पकड़ो, 15-20 दिन देखू सेवा करते जा रही हूँ। डेली देसी घी हलवा लेके आता है, पिस्ता बादाम बादाम वाला। हाँ हाँ दूध हुए तो तू यार अंदर रखिया ले, इन्हें रखिया। अभी आ रही हूँ मैं। तो ऐसा लगा तो हमारी बड़ी बहू सही है। दी है पिताजी। हाँ? मैं ये कह रही हूँ वो तुम्हें कोई दिक्कत तो ना हो रही है ना खाने पीने से? दिक्कत? हाँ रे, अब तो मुझे तंदुरुस्ती आ गई, फुर्ती आ गई है शरीर में, ऐसा मालूम पत्ता धारा सिंह फेंक दो पलंग। हाँ अच्छा। अरे अब तो देख आंखों मेरी दृष्टि वैसी है गई है, पहले तो मैं खांसी फांसी। हाँ, तो चश्मा लगा देते, अब तो लगा देने। अरे चश्मा तो पहले दिल्ली चश्मा तो हटाया था मैंने जब भाई, लेकिन हाँ पहले आंख में दर्द होता, लेकिन अब तो मुझे चंद्रमा दिखाई देते है दूध। अच्छा। हाँ थोड़ी बहुत तो हलचल, कोई दिक्कत तो ना है? थोड़ी बहुत हलचल ना, मेरे कहने का मतलब ये कोई परेशानी ना? ना मोगू परेशानी ना, मैं तो हट्टो कट्टो हूँ। कोई दिक्कत हो रही हो ना? तो काहे की दिक्कत दिखाई दे रही जे बता। ना ना कुछ ना, बाबा तो ये कह रहा था जल्दी मर जाए। का? ना कुछ नहीं, मैं ये कह रही थी वो बाबा मिले मुझे तो वो ये कह रहे 8 दिन बाद तेरे ससुर खत्म हो जाएंगे। अच्छे ऐसे बावन ने अपने बेहतते मारूं मैं, समझे? टीकरी पे मिले ऐसे बॉर्डर पे मुए आए बाबा। तुम तो पहले से और चपटा जैसे हो गए। अरे पहले से तंदुरुस्ती और रहेगी, जब तू अपने हाथ को पिस्ता भरा खूब ला भाई, दूध ला भाई बादाम को, तो क्या हुआ? ए बेटा तेन तो मुँह फिते जवान कर दो। अच्छा अब ऐसा है पिताजी, जितने दिन तुम्हें खाना पीना था खा लिया, आज से दूध बंद, वो क्या कहते हैं लड्डू बंद, हर चीज बंद, मैं तो करी रोटी भी बंद। जब तुम मर ही ना रहे तो काय को ले लाऊं तुम्हें? तो ये आपको मतलब तुम मर भी सोच रही थी क्या हमारी? ऐसे ना मरूंगा मैं, चुन्नीलाल नाम है मेरो। हमें क्या बताई, खिला पिला के और बिजार बना रही हूँ मैं तुम्हें। और अच्छे है अपने ससुर से ऐसी बात? अरे मर ही ना रहे तो फिर क्या बात की? ओहो तो इसका मतलब तू मुझे मारने के लिए ला रही है? अरे मुझसे तो बाबा ने कही 8 दिन बाद मर जाएगा तेरा बुड्ढा। हाँ हाँ जा, बाबा को तो हमने पहले जानते, बाबा ऐसे ईट के लाए वाले बाबा होते हैं, बाबा थोड़ी है के।
जाओ बेटा। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कुछ तुम अंदर ही अंदर कोई और चीज तो ना खा रहे। जा जा, अंदर को तो मैं सलाजी तो खा रहे हैं। हैं? तो अंदर का ऐसा कॉम्प्लेन पी रहा हूँ मैं। हाँ तो कॉम्प्लेन पी लो। वो खा लो चमन परास। तू ऐसा काम कर बहू, तू जा यहाँ से, तू मेरा मूड खराब करेगी। मुझे अपने घेर में सलाजी तो और खिला दो इन्हें, जवान बना दो लुगाई लाने के लिए। अच्छा हुआ आगे मैं तेरे घर ही आ रही थी। मेरे घर तेरी वजह से इतना नुकसान हुआ मेरा। मैंने क्या कर दिया? अरे ना तू मुझसे लड़ती और ना मैं उस बुड्ढे को मारने की प्लान बनाती और ना मेरा घी दूध इतना वो सब खर्च होता मारने की। हाँ, वो बाबा मुझसे ये कह के 8 दिन में तेरा बुड्ढा मर जाएगा, समाधि ले जाएगा, है ना, और तू बर्बाद हो जाएगी। कुछ भी नहीं हुआ, 11,000 रुपए ले गया मुझसे, खा खा के बेजार हो गया है। तो किसी ने कही कि जाके खिला दो? मैंने कही, मैं कहने आई थी। तेरी वजह से हुआ है जो भी करवा रही है, तू करवा रही है। जो भी कांड हो तो वो मेरी वजह से होता है, सब तेरी वजह से हो गए। यही कह रहे हैं ना, तू मुझसे लड़ती ना तू मेरे उसमें बिटोरे में मैं ना कर, अगर मैंने अपने हिस्से में बात की आई थी। आगे तुम उससे लड़ने ऊपर सोच के चलो ना तो आज बहुत कुछ बन जाओगे तुम। छोटी मोटी सोच के चलती हो ना। चुप कर ले तू। मैं क्या चुप कर लूं? मैं तेरी वजह से वो बुड्ढा खा खा के हाथ ही पड़ गया। अरे तो ये तो अच्छी बात है ना, पिताजी अब वो ना मरेगा, अब ना मरे 100 साल। अरे मुझे लग रहा मैं टपक लूंगी, पर बुड्ढा ना जाने का है। मेरे कम से कम 5 किलो बादाम खा गया, कम से कम ये समझ लो 2-2.5 किलो घी सटक गया। हाँ तो अच्छी बात है, ये तो उनके लिए सेहत की बात अच्छी है। मुझे तो अच्छा हुआ पता लग गई कि मरने वाला ना है, वरना मैं तो और बर्बाद हो लेती। अरे बुड्ढे को तो चांद दिख है दूर से ही, है जिसे रास्ता ना चला जावे अंधे को, अब तो उसे चश्मा भी उतर गया। तो अच्छी बात है दीदी, तुम्हें गुस्सा होना चाहिए। और दंड बैठक को लगावे। मैं तो भगवान से प्रार्थना करूंगी मेरे पिताजी सही हो गए। तुम दीदी जा जा जा, मैं तो बहुत खुश हूँ आज। जी दोनों ने मेरा सर्वनाश कर दिया, मुझे लग रहा है बुड्ढा शादी करने के चक्कर में जवानी भर गई इसके अंदर।